एक तरफ देश भर में विपक्ष और लोगों के द्वारा सीए का विरोध चल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेरठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अब से थोड़ी देर में रैली है जिसमें वो संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह सीए के समर्थन में राजनाथ सिंह की ये रैली उत्तर प्रदेश के मेरठ में, काले कपड़े जैकेट पहन करके आए लोगों को वापस लौटाया गया, यानी कि किसी किस्म का कोई ऐसा चोर दरवाजा ना रहे जिससे किसी तरीके से विरोध का कोई रास्ता बचा रहे। इसलिए काले कपड़े, काले स्वेटर, काली टोपी, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर कोई शख्स पहन करके इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहा तो उसे वापस लौटा दिया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को वापस किया गया, यानी कि अब तक जो तादाद बताई जा रही है उसमें कई करीब करीब 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने काले जैकेट, काली टोपी या फिर कुछ इस किस्म की काली चीज़ें वो रखे हुए थे, जिससे किसी भी तरह का कोई अंदेशा लग रहा था कि ये विरोध कर सकते हैं काले कपड़ों के माध्यम से, इसलिए उनको वापस लौटाया गया। शताब्दी नगर के माधव कुंज से राजनाथ सिंह की ये रैली जिसमें वो अब से थोड़ी ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम रैली की शक्ल में कुछ इस तरीके से लोगों के बीच में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का पक्ष रखने और सरकार जिस स्टैंड को लेकर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ साथ में केंद्र सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी लगी हुई है कि ऐसे में लोगों तक सरकार का पक्ष समझाएं।